शुगर स्कैंडल की तहकीकात, बेटे अली तरीन के बाद जहांगीर तरीन भी एफआईए लाहौर में पेश। अरबों रुपए के मालियाती फ्रॉड से मुतालिक पूछगछ, बाप बेटा बयान देकर वापस चले गए। जहांगीर तरीन और खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद, जहांगीर तरीन कल बैंकिंग कोर्ट में तलब। जहांगीर तरीन के साथ 53 से जायद अरकान हैं। आज रात तरीन का इशारा है, कल भी सियासी ताकत दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। इमरान खान नोटिस लें, जहांगीर तरीन पुराना साथी है, इमरान खान उसे ज़ाया ना करें, इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन को लग रहा है ज्यादती हो रही है तो अदालत से रुजू करें। इशाइये में मुझे नहीं बुलाया गया और बिन बुलाए जाना नहीं चाहिए। वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सबसे पहले वो खुद एहतसाब से गुजरे हैं, 100 दिन जेल में गुजारे। जहांगीर तरीन की पीटीआई के लिए बड़ी खिदमत है। बड़े बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं, लेकिन कोई खुद को कानून से बालतर न समझे। माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं। सिस्टम में बुराई और करप्शन हो तो तब्दीली में वक्त लगता है। वजीर आजम का लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे के संगे बुनियाद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा लोग पूछते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान, पाकिस्तान में आज कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। अपोजिशन ठोस, पीडीएम खत्म हो चुकी, सबसे ज्यादा नुकसान मौलाना का हुआ। मौलाना काबिले एहतराम है, उन्हें कहा था बच्चों के हाथ में मत खेलो। इमरान हुकूमत ने कई माफियाज पर हाथ डाला, अपोजिशन नहीं महंगाई चैलेंज है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी पर पीडीएम को तोड़ने के इल्जामात गलत हैं, 11 अप्रैल को सीईसी इजलास में बातें वाजे हो जाएंगी। विफाक में जो बैठे हैं उनसे जल्दी जान छूटेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की नवाब शाह में मीडिया टॉक, कहा विफाक और सिंध की चपकलिश से पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। विफाक की पॉलिसियों पर विफाक किसी से बात करने को तैयार नहीं। डस्का में किसका डंका बजेगा, फैसले की घड़ी करीब आ गई। NA-75 पर जिमनी इलेक्शन कल होगा, तैयारियां मुकम्मल। हल्के की 360 पोलिंग स्टेशन में से 47 इंतहाई हसास करार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की मॉनिटरिंग टीम से मुलाकात, टीमें तमाम अवामिल की निगरानी करेंगी, रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगी। नौशीन इफ्तिखार अली असजद में सख्त मुकाबला मुतवक्के, बोल न्यूज कल करेगा डस्का के जिमनी इलेक्शन पर खसूसी नशरियात, पल पल की कवरेज होगी। डस्का इलेक्शन में वोट चोरी, धांधली में मुलव्वस सरकारी अफसरान के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। पार्टी ने फैसला किया, जो भी अवाम के मैंडेट पर शबखून मारेगा उसे कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है काउंटर फाइल्स की कड़ी निगरानी की जाए। नून लीगी उम्मीदवार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, लिखा कि डस्का की मरकजी शाहरा पर CCTV कैमरे लगाए जाएं, इलेक्शन कमीशन तमाम पोलिंग स्टेशन को चेक करे। और मलका बरतानिया बेवा हो गई, मलका के शोहर शहजादा फिलिप इंतकाल कर गए, उम्र 99 साल थी, दोनों की शादी 73 साल रही। हेडलाइंस आप जान चुके, मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।